नमस्कार। सबसे पहले छठ के इस महापर्व को बक्सर क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस कुछ पिछले कुछ दिनों से मेरे अलग विभिन्न विभिन्न घाटों पे जाना हुआ और इन घाटों पे जाके मुझे एक बहुत अच्छी अनुभव इस बात की हुई कि हमारे युवा पूरे जोश के साथ सफाई में लगे रहे, ये अति प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य दिखा मुझे। चूँकि बक्सर के छठ का एक अलग महत्व है, हमारे यहाँ गंगा उत्तरायणी होती हैं तो इसका और विशेष महत्व बन जाता है। तो मैंने अभी आज ही एक अनुरोध किया है बिहार के अलग प्रदेशों के लोगों को कि हमारे यहाँ बक्सर में आप आएँ, छठ पूजा करें, आपके रहने, आपके खाने और आपकी जो भी व्यवस्था होगी मेरे द्वारा की जाएगी, ताकि आप बक्सर में आएँ और देखें कि हम बक्सर के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा से कितने जुड़े हैं। तो इससे लोगों के बीच में संदेश जाए कि हमारा बक्सर जो श्रीराम की कर्मस्थली शिक्षास्थली रही है ऐसी नहीं है, इसकी अलग पहचान है, ये पहचान लोगों के बीच में जानी चाहिए। इसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयास करता हूँ। जी, छठ व्रतियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में स्वास्थ्य के प्रति जो माताएँ बहनें ब्लड प्रेशर की या ब्लड शुगर की पेशेंट हैं या क्रोनिक इलनेस से जैसे हार्ट की समस्या हो या किडनी की समस्या हो, वो व्रत रखने से पहले अपनी पूरी जांच अच्छे से करा लें कि व्रत के टाइम में समस्या आ सकती है, तो इसका ध्यान आप विशेष रखेंगे। और एक लग रहा है जी, कैंप भी मेरा लगेगा, अलग अलग घाटों में कैंप लगेगा। और एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ, और इस बात का संदेश कि जो माताएँ बहने छठ व्रत में उनके पास साधन या व्यवस्था की कमी हो तो मेरा एक नंबर होगा, आप नंबर उस पर डिस्प्ले करेंगे, मेरी टीम से संपर्क करें। जी, संपर्क करें, उनको मेरी टीम उनके तक जाएगी और उनको मदद करेगी, चाहे आर्थिक सहायता या कोई और सहायता चाहिए उनको छठ व्रत के लिए, तो मेरी टीम तत्पर रहेगी और इसके लिए सदैव हम लोग। कई सारे घाटों पर आपका तस्वीर जो आया है कि आप खुद फावड़ा जी 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 जी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैं वही बार बार बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बक्सर की महत्व अलग है। और मैं छठ घाटों पे और इस बीच बहुत सारे घाटों पे जाना हुआ, इतना रमणीय दृश्य है कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा, पूरे देश में चले जाएं, मैं तो पूरे देश का भ्रमण, कोई भी ऐसा जगह नहीं है पर्यटन स्थल जहाँ नहीं गया, इसकी एक अलग ही अनुभूति होती है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जरूर यहाँ आएँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बक्सर आएँ, आप घूमें और आपको महसूस होगा कि नहीं, वाकई में बक्सर बक्सर है और इसकी पहचान एक बननी चाहिए।